देश का पहला ऐसा राज्य जिसने गोबर को धन का दर्जा दिया। अब तक घर लिपने और कंडे बनाने के उपयोग में आने वाला गोबर आज हजारों की संख्या में महिलाओं को रोजगार प्रदान कर रहा है और यह एक अविश्वसनीय और अकल्पनीय कार्य कर दिखाया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। इसी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार के खेमे में एक और उपलब्धि शामिल हो गई, जिसमें अब गोबर से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। आइए एक नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वाकांक्षी योजना गौधन न्याय योजना पर। गोबर से जो अभी बिजली उत्पादन करे के सरकार एक बहुत बड़ी योजना भी लेके आए हैं और जैन यहाँ पे साकार भी नजर आते किस तरीके से ये जो बिजली है ये गोबर के माध्यम से पहुँचा थे, रोशन हो थे, बारे में थोड़ा सा जानकारी। जैसे कि आप मन देखा तो हमारे इनलेट है, यहाँ से हम गोबर डालते हैं, गोबर डाले के बाद स्लरी बन के टैंक में जाते हैं, ये टैंक जो है टैंक से निकल के आउटलेट में जाते हैं। देखो सर ये आउटलेट है, इनलेट है, फिर अंदर जाए टंकी के अंदर, टंकी से बाहर निकल के जो गैस हम लोग प्राप्त हो ये पाइप के माध्यम से यहाँ से होते हुए अपन नोजल में चले, नोजल से वाल चालू कर वो यहाँ चलिए बलून में जाती है स्टोरेज में जाए। अपन पास गैस यहाँ है स्टोरेज में भी बलून में, आगे जाके मैम वहाँ से वाल चालू करने लगी फिर शटर चालू हुई। कितना टन गोबर लग जाए ये में अभी ढाई दो कुंटल ढाई कुंटल गोबर में कितना देर तक बिजली मिलती है? अभी चार घंटा चलती है। चार घंटा चलती तो एक लिए आप मतलब ज़्यादा मात्रा में गोबर की जरूरत भी पड़त हुई तो गोबर कैसे आप मन तक पहुँचते? अभी तो हमारे गौठानी गोबर ला रहे हैं और कुछ दिन के अभी खरीदे अंदर से 15 दिन अभी खरीदी करके डाले गोबर ला चालू करने स्टार्टिंग करके मुख्यमंत्री के पूजे पुलिस में खरीद के डाले हैं ढाई कुंटल, एक दिन या दो दिन करीब करीब 5 कुंटल डला रही है। तो ये जो गोबर से बिजली उत्पादन करे के जो एक योजना बना है कैसे देखो कितना साकार नजर आते हैं और किस हद तक आप मतलब लगते कि ये योजना वाकई महत्वपूर्ण है? देखो मैम अभी तो हम लोग बहुत अच्छा लगा थे साकार हो जी तो वह ज्यादा होना चाहिए, अभी तो हो गए मान के चल स्टार्टिंग चला पंखा चला लाइट चला थे पूरा हमारे गौठान रोशन हो गई है, अभी ला आगे बढ़ाए की तैयारी है, आगे बढ़ाना चाहिए फिर उसी लेना चाहिए, हमारे कैंटीन बने हैं और वीआईपी रूम है वहाँ तक होना चाहिए, अभी तो हमारे गौठान में देखो प्रकाश ये पूरा हमारे जो गौठान की एरिया है कैंटीन है दिया गमला है और वीआईपी रूम है वहाँ तक जाना चाहिए। कैसे देखो ये जो योजना है वाला किस नजरिया से देखो मतलब कितना साकार लगते कि हाँ ये करना रही थे जरूरत रही थी कल तक जो एक गोबर ला सब घिन समझे मतलब सिर्फ लिपे का मात्री सा जो गोबर है इतना रोजगार दिलाते बिजली दिलाते तो आप मन एक किसान हो वो हिसाब से आप मन गोबर के जो ये महत्व जो दिनों दिन बढ़ा थे छत्तीसगढ़ सरकार के राज में कैसे देखते हो आप मन में? तो गोबर अभी सोना हो गया है, पहले हमारे गाँव का गोबर है जगह जगह पड़ रहा है, अब जगह हम देखे बन नहीं लोग कहे पैसा मिला थे पहले तरह गोबर है मतलब छोड़ दे रहा दे कोई मतलब नहीं, अब सब सकेल के लावा थे वो बेचा थे 2 रुपये किलो में लावा थे सरकार मुख्यमंत्री भूपेश सरकार तो बेचती है ला के ओकर से फायदा हुआ तो वर्मी बना थे और बायोगैस चल ये बायोगैस जो चला थे गोबर के गैस से बिजली पैदा करे जनरेटर से तो ये फायदा है कि हम लोग गोबर से पैसा मिल गए पशुधन के भी सेवा हो गई जो हम फेंका थे घुरुआ में आज जो इनकम देवा था हमार व्यवस्था सुधारा थे आर्थिक व्यवस्था सुधारा तो मुला तो अच्छा लगी खुशी लगी से हमें कितना हद तक साकार हो सकते वो तो आने वाले समय बताइए लेकिन आप मन थोड़ा बारीकी से बता देना कि किस तरीके से वहाँ पे जो बलून है वहाँ गैस जाते हैं और कैसे जनरेटर अगर काम करते हैं थोड़ा सा आप मन प्रैक्टिकल करके दिखा। जी मैम जैसे कि ये हमारे डोम हो गए डोम से ये वाला वाल जो लगे पहले स्टार्ट करके यहाँ से स्टार्ट होके फिर ये बलून में जाइए सर नोजल के माध्यम से पाइप से होते हुए ये सर पाइप के माध्यम से अपना गैस आता है वहाँ से नोजल के माध्यम से यहाँ से नोजल के माध्यम से आकर के बलून में जाता है जो गैस है गोबर का गैस अरे 4 घंटे स्टोरेज करके रखता है एक्स्ट्रा 4 घंटा अपन हम लोग से डोम से मिल जाएगा 4 घंटे इसमें स्टोरेज रहेगा। अब बलून से सर गैस होकर पाइप के माध्यम से इस पाइप में आता है जो 3 पाइप खड़ा है ना यहाँ रखा है उसमें आते हैं जो फिल्टर बोलते हैं पाइप के माध्यम से गैस फिल्टर पाइप में आते हैं यहाँ से फिर गैस फिल्टर होकर के शुद्ध मिथेन हमारे मिलते जनरेटर के लिए जेकर से जनरेटर चालू हो जाते हैं। सर ये पहले जो था डीजल से चलता था अभी गैस से चल रहा है जो गोबर से गैस निकला है ना उससे स्टार्ट करेंगे तो इससे बिजली पैदा होगा यहाँ 2-3 रेडी ये बैटरी है सर इसके बिना ये जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा तो उसे चार्ज रखना पड़ता है बैटरी को जब जनरेटर चलता है ना तो बैटरी खुद चार्ज हो जाता है।
ये गैस गैस का वाल है जो वहाँ से आ रहा है गैस इस पाइप के माध्यम से, तो इसको हम वाल को चालू करेंगे। अभी गैस आना चालू हो गया अपना, अब हम जनरेटर स्टार्ट कर सकते हैं। गोबरधन योजना से खुले तरक्की के नए आयाम, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार पशुपालक किसानों से गोबर खरीदी करती है। इस योजना के तहत पशुपालक से खरीदे गए गोबर का उपयोग महिलाएं वर्मी कंपोस्ट, गोबर के दिए गमले और घर सज्जा के सामान, गायों को दिए जाने वाले चारे से बचे हुए खली चूनी से मशरूम उत्पादन कर रोजगार पा रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की गोबर से उत्पादन करने की यह मंशा और इसे साकार कर दिखाने की योजना प्रदेश सहित देश में भी अपनी अमिट छाप छोड़ रहा है। खूबसूरत चीजों की बात ही अलग होती है। अब ये खूबसूरत दियो को देखिए, खूबसूरत गमले को देखिए, इसकी खूबसूरती में और तब चार चांद लग जाएगी जब आपको पता चलेगा कि यह बिल्कुल ऑर्गेनिक है और यह बिल्कुल गोबर से महिलाओं द्वारा अपने हाथों से निर्मित किए गए हैं। शायद आपको सोच के थोड़ा सा यह सुन के आश्चर्य लग रहा होगा। अब जानते हैं इनके निर्माताओं यानी कि इनको बनाने वाली महिला दीदियों से कि किस तरह से उन्होंने गोबर को इतने अच्छे आकारों में इतने खूबसूरत तरीके से उकेरा है। दीदी सबसे पहले ये बताओ, इतना सुंदर सुंदर सुघर सुघर दिया आप देख सकते हो यहाँ पे रखा है, इतना सुंदर सुंदर आकार के जो दिया है, कैसे एला बनाथो आप मन, हाँ गोबर से किस तरह से एला बनाए बनाथो आप मन? पहली हम एला छेना तो बना था गोबर ला लाके, ओकर बाद ना एला कूचर थान, कूचरे के बाद में मशीन में पीस थान, और पीसे के बाद में हमन दो बार एला छान थान, और छाने के बाद में ना ये आटा बन गई। अब आटा बने के बाद में ना ये प्रीमिक्स पाउडर ही, ये दोनों ला मिला के बना थान। 2.5 किलो गोबर पाउडर में 1 किलो की प्रीमिक्स पाउडर मिला थान, दोनों ना मिला के गूथ थान, जैसे आटा सान थान ना वैसे ये ला सान थान। सानने के बाद ना ये लोई बना थान, छोटे छोटे लोई बना के ये में तेल चुपर थान, ये में तेल चुपरे के बाद ये लोई डाल थान, लोई डाले के बाद ऐसे मोल्ड में घुमा के ओला दिया तैयार, ऐसे दिया तैयार कर थान छोटे दिया। और बड़े दिया हमार यही आइटम से बड़े दिया मशीन से बना था, जे है ये आकार ली थी। तो कितना 2.5 किलो के जो गोबर पाउडर है ओमा हाँ। कितना दिया आप मन निर्माण कर लेते? 300 बन जाते, 400 बन थे, मिनिमम 400 बन जाते, 400 बन जाते। एक आटा चक्की टाइप के उसी में पाउडर बना था पीस। गमला कैसे बनाते हो आप मना? हेला दीदी हम ना गोबर ला नंदी किनारे की पीला मिट्टी ला मिक्स कर था, उसके बाद लोई बना के मशीन है कर साचा, हाथ वाला मशीन है और बिजली वाला भी है, तो वो मैं डाल था उसके बाद आकार में था, उसके बाद हमें सुखा था तो ये बन जाते, उसके बाद जैसे डिमांड रहते मांग करते उसमें कलर भी कर था और सादा भी देते। तो कितना किलो के मिनिमम आप मन गोबर पाउडर लेते हो, वो कितना किलो गोबर पाउडर में कितना दिया मतलब गमला आप मन बना? ये गोबर पाउडर नहीं हुआ दीदी, ये है ना गोबर छरे कच्चा गोबर ला हम अच्छा। तो ये माँ कम से कम 80% गोबर रहते और 20% माटी रहते हैं नंदी किनारे पीला माटी, और ओकरे से हम मिक्स करके सान के लोई के द्वारा हम मशीन से बनाते हैं। तब तक कतका गमला बिक चुके हैं? हाँ मना 14,000 गमला बेचे हैं, और परेशान तो कोरोना से मार्केट है थोड़ा ठंडा हो गई से। तो ये जो गौधन न्याय योजना सरकार द्वारा बनाई गई है वो कितना आप मन के लिए फलित साबित हो? पूरा फलित हुई से जैसे ही गौठान बनी से तो हम दिया के काम शुरू करे हैं, गौठान से ही गोबर मिर्च देकर हम छेना बना है, छेना बनाई कुटाई पिसाई करे हैं और दिया बना है, और दिया के बाद हम गमला भी हम गौठान से ही बना है। अब तक कितना दिया आप मन बेच डाले हो, कतका मुनाफा आप मन हाँ। गौठान के माध्यम से गौधन के माध्यम से आप मन कमा चुके हैं? हमन हाँ दिया शुरू साल बेचे हैं 1 लाख दिया में हमन हाँ
3 लाख पैसा कमाए हैं। और ऊपर साल तो कोरोना आ गई से तो हम 26,000 दिया बना रहे हैं और 70,000 के हमन ला बेचे हैं। और ये साल अभी ये सारा तैयारी चला थे अब बनाबो। कितना रुपया कीमत के दर से आप मन बेचते हो? ये जो गोबर पाउडर है ये आसानी से उपलब्ध हो जाए थे आप मन बेचते हो भी का गोबर पाउडर या सिर्फ सामान ही बनाते? हमन बनाए काम करता ना भी एक दो जगह बेचे रहे हैं लेकिन अब बड़ मेहनत है कि नहीं बेचन हमन दिया बनाने ज्यादा फायदा होते हमन और गोबर पाउडर में कम फायदा होते। कतक लागत से बेचते दिया? एक दिया कीमत कत कर? ये जो छोटे दिया है ये बड़े दिया है ना वो 10 रुपया है थोक में कलर वाला है चिल्हर में और थोक में बेचता है 6 रुपया। अब इस साल तो रेट बढ़ा था तब देखो मांग के हिसाब से लागत के हिसाब से। और ये वाला दिया हरे 4 दिया है 10 रुपया के और ऐसे में थोक में जाते 2 रुपया एक ठन। तो मतलब जिन हिसाब से आप मन मेहनत करते हो ओकर फल आप मन ला मिलत है। और ये सुंदर सुंदर शुभ लाभ जिन हमारे मतलब हिंदू परंपरा के अनुसार घर के दरवाजा में चिपकाई थे एला कैसे बनाते हो आप मन तो बताओ? हाँ एक ना दीदी मोल्ड है तो अच्छा। मोल्डा में ही एला बनाता है हमन गोबर के बने। हाँ एक वो जो दिया पाउडर बनते ना ओकरे हरे हाँ। और गणेश जी जो मूर्ति रखा है ये है ना ये वाला जो बने है ना गमला बने है वही माटी खरे है गोबर और माटी साचा में बना है। अच्छा साचा में। ये जो गौधन न्याय योजना है आपन जो महिला हरो अब तक का देखते हो गौधन न्याय योजना से आप मल्ला का फायदा हुई से जिन गोबर गली गली में पड़े रहा तरीके से घिनाए लोगन मन हा घर लली पे लेकिन आज वह धन बन गए है और लाभ भी पहुंचाते आप मन महिला मन किस नजरिया से देखो ये सरकार की योजना ला? ये तो पहली फायदा हुई से कि पहले गायल आदमी रखत नहीं जिसे है ना जानवर रखा था इसे अब हमारे रखे हैं तो घर में हमारे जो गोबर होते हैं वो गौठान में बेचे हैं तेकर से हमारा आर्थिक आय मिली से और साथ साथ हमारा गौठान बनी से तो हमारे सब्बो दीदी ला काम मिली से और काम के साथ साथ हमारे सब्बो दीदी ला सम्मान मिली से। तो हिसाब से अपन ये मानते हो कि छत्तीसगढ़ सरकार हा प्रदेश के महिला मन ला माता मन ला दीदी मन ला स्वावलंबी बनाए के काम करे? हाँ और कुछ अपेक्षा है छत्तीसगढ़ सरकार? हाँ सरकार से अपेक्षा है कि जो हम काम करत हैं वो काम आगे बढ़े और हमें अच्छा से मार्केट मिले और हमें वो आगे बढ़े के लिए मार्गदर्शन देवा। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद है भूपेश सरकार ला जो हम मार्गदर्शन में ये काम करे हैं। अच्छा फसल धान के कटोरा चुकी है छत्तीसगढ़ कहे जाते हैं तब अच्छा फसल के लिए वर्मी कंपोस्ट के उपयोग करते हैं सबो जन जानत लेकिन ये वर्मी कंपोस्ट कैसे आप मन तैयार करते हो कैसे कैसे उपयोग मिला थो तेखर बारे में जानकारी दो एम गोबर अपन कतका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते एक बारे में यहाँ पर करथन हमन समूह के द्वारा गोबर के खरीदी करथन ओकर बाद गोबर ल 15 से 20 दिन तक सड़ाथन सड़ाए के बाद में हमन वर्मी कंपोस्ट जो हमन ल बेड मिले है ओमा डालथन डाले के बाद हमन केचुआ के छिड़काव करथन फिर एमा हर रोज हमन पानी के छिड़काव करथन जेकर से नमी बने रहा है और खाद बने में केचुआ ल गोबर खाए में आसानी हो जाए तो हमन ल 45 दिन में खाद हर लेयर में बने में तैयार हो जाते तो लेयर बाई लेयर खाद हर निकलते जो है वर्मी कंपोस्ट के खाद बन के तैयार होते थन जिन है यूरिया काम करते धान में डालथन जेकर से धान है हरा भरा रहते यूरिया के काम करते और जैसे कि यह बहुत जैविक हो जाते ये खाद ना बार बार डाले से जमीन है जैविक हो जाते जमीन में उर्वरक शक्ति हो जाते हमारे जमीन है अभी रासायनिक दवाई और रासायनिक खाद के प्रयोग से कठोर हो गए मिट्टी है जो एकर प्रयोग से लगातार डाले से हमारे मिट्टी है बहुत उर्वरक शक्ति हो जाते उपजाऊपन हो जाते और बहुत अच्छा मात्रा में हमला सब्जी के फसल मिलते और धान के फसल मिलते तो एकर लगातार प्रयोग से हमारे मिट्टी बहुत एकदम अच्छा उर्वरक शक्ति बन जाते जे सोना जैसे काम करते। अभी तक कितना वर्मी कंपोस्ट खाद आप मन बेच चुके हो कतका लाभ कमा चुके हो? अभी तक हमन गोधन न्याय योजना में 310 क्विंटल खाद बेच चुके हैं जेकर से हमन ला 1,17,000 के इनकम प्राप्त हुई से एकर से पहले हमन स्वयं के अपन वर्मी कंपोस्ट खाद ला 2 साल से और करत रहे हैं अपन स्वयं सहायता समूह के अपन खुद से प्राइवेट से करत रहे ओकर से हमन ला 1,80,000 के प्राइवेट हुई से और हमला सुपर कंपोस्ट खाद से 4,050 रुपया के इनकम हुई से एक साथ साथ में हमन गौमूत्र से जैविक दवाई बनाए के काम करथन जेकर से हमन 10 से 12,000 के इनकम हुई से गौठान के चारों तरफ में जगह खाली रही से तो जगह खाली मत रहा ऐसे कस के हमन कुछ इनकम प्राप्त हो जाए ऐसे टाइप से हमन
गौठान के चारों तरफ में 2-3 हज़ार के हल्दी लगाए रहे हैं रोमा वरायटी के, तो हल्दी से हमें 14 हज़ार के प्राप्त आय इनकम हुई से। तो उमा कौन सा कंपोस्ट यही वर्मी कंपोस्ट के उपयोग करे हो आप मन? उमा हमन जैसे गोबर ला सड़ाए के काम करथन ना, तो जैसे एकर खाद ला झोलथन सफाई करथन, तो जेकर से खाद है छन्नी में ऊपर के खाद वाला निकलते तो वो खाद ला हमन डाल देथन, और ये वाला खाद ला भी हमन डाल के सिर्फ ओमा जैविक खाद के ही प्रयोग करके हमन हा उपजाऊ ओला जमीन ला कर रहे हैं, जेकर से हमन ला बहुत हल्दी के प्राप्ति हुई से। और गौठान के चारों तरफ में जो तार फेंसिंग है ओमा करेला के भी फसल लगा रहे हैं, ओमा भी 4-5 हज़ार के इनकम हुई से। अगले साल में हमन हा गेंदा के फसल भी लगा रहे हैं, गेंदा के फूल वो फूल हा दूसरे शहर में भी जाके बिकी से ओकर से भी हमारा 5-6 हज़ार के आय के इनकम प्राप्त हुई से। सरकार है ये जो गोधन न्याय योजना है जो गोबर ला धन के स्थान दे है, मतलब आप मन वाकई मानते हो कि गोबर आप मन के लिए धन साबित हो थे? जी हाँ, धन साबित हुआ थे। जे गोबर है गली में पड़े रहा है, जे गोबर ला कोई उठाना नहीं चाहे, वो गोबर ला सब इकट्ठा करके यहाँ 2 रुपया किलो में बिका थे, इसे की के वो गोबर ला सब ला नान के यहाँ बेचते तो ला कुछ पैसा आए के इनकम हो जाते, वो खाद के रूप में बन के ओकर रेट है डबल से तिबल हो जाते। तो बहुत अच्छा योजना बना है हमारे भूपेश सरकार है, योजना में हाँ महिला मन ला काम मिली से, रोजगार मिली से, ये गौठान के सहायता से ऐसे बहुत से हमारे गाँव के समूह है जे मन ला कुछ आय के इनकम हुआ थे, आय के स्रोत बनी से, महिला मन के सम्मान मिली से और महिला मन के एक पहचान बनी से, जेकर लिए मैं हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ जिन्हें इसे योजना निकाल के बहुत बड़े काम करी से। जो पोतली बना के रखे हो आप मन हा वे मेर खली चुनी पड़े है, का उपयोग में का लात हो आप मन एक? एला हमन हा जब गौठान हा चालू हुई से ना हमार गांव के, त हमन हा जो बचत रहते ना गाय के खाए से पैरा ओकर हमन हा जो बारीकी रहते ओला हमन हा मशरूम बनाए के पैकेट बनाए के ओला नाथन एला काम में, और बहुत अच्छा से हमन पैक बैग बनाथन अड़ला लटकाथन एक ठो हमन ला गौठान अंदर जगह दे गए है, ओमा हमन हा ये मशरूम के उत्पादन करथन और बहुत अच्छा हमन ला लाभ मिली सेवा, और एकदम पौष्टिक आहार एला बहुत हर कोई ला बताथन तो खरीद के खाथे। कितना रुपया किलो तक बेचथो आप मन मशरूम ला? एला 200 किलो हमन हा लगाथन। 200 रुपया किलो? हाँ। और कितना उत्पादन हो जाते मशरूम के? जैसे कि 4-5 किलो निकलते ना तो हमन मार्केट भी ले जाथन एला मार्केट में। हाँ, और आसपास के गांव के लोग मन जाना थे ना ते मन यही से खरीद के ले जाते गौठान से। तो अब मन अब तक कतका मतलब कितना उत्पादन हो चुके हैं मशरूम के, कितना किलो उत्पादन हो चुके हैं? हाँ, 105 किलो के उत्पादन कर चुके हैं हमन। हाँ। और कितना लाभ कमा चुके हो 105 किलो में अभी तक? 55,000 लाभ कमा। का का मिला थो ये मतलब ये कुटी जो रखा है माँ का का मिला थो, किस तरीके से तैयार होते? हाँ, ये पैरा कट्टी जो है ना एला हमन पहले हमन वजन कर और नेट वाला बैग में भरथन चुमड़ी में जेला बोलथन तेला हमन हा एक कोटना है गौठान के अंदर में खाली कोटना है जेमा गरवा हा पानी नहीं पिया तेला हमन उपयोग में लावा थे बन, और ओला ना कटनी चूना और बीएससी पाउडर जितना किलो मतलब बोरी रहते ना उसके किलो हमन कटनी चूना ला डालथन, और एला 18 घंटा डुबाथन ताकि ओका जो गंदगी है ना कट्टी के वो पूरा निकल जाते, और हमन हा वो बोरी ला निकाल के पानी ला निथार के झिल्ली में इसने बड़े बड़े झिल्ली है तेमा धूप में हम सुखा था ताकि ओमा नमी मत रहा, ऐसे करे से वो पानी हमारे हाथ में नहीं लगा तो हमार जो मशरूम बना था तेन बहुत अच्छा बनते बेग है, एमा सरन भी नहीं हुआ और ओका जो वो भाप बनते वो भी कम बनते ताकि वो मशरूम के बीजा ला नुकसान न करे। तो एमा कुट्टी में का मिला है? और एमा हमन हा सूखा कट्टी में और एक ठो चूना थे बारीकी जेला फुट्टी चूना बोलते का ओला हमन डालथन एमा और ब्लीचिंग पाउडर भी डालथन। तो ये जो बैग आप मन तैयार करे हो एमा का है खर अंदर? एमा हमन हा जैसे कि झिल्ली ला नीचे से भी बांधथन रबर में, ओकर बाद ओला पलटा के वो गोला आकार में हो जाते, ओकर बाद एला भरथन हमन 4 मुठा, ओकर बाद बीज रहते ना ओला हमन गोल से आकार में डालथन, बीज में भी डालथन बीच में, तो बीच में भी डालबो तो बीज से भी वो हा मशरूम निकले है ना, और फिर वैसे वैसे 4 बार बीजा डालथन, ओकर बाद 3 बार बीजा डालथन 4 बार पैरा डालथन, और ये बैग ला हमन हा पूरा टाइट देथन अच्छा से चपक चपक के फुलाए मत करके गैस ओकर पूरा निकल जाते ताकि वह मतलब अच्छा से टाइट रही तो पहुँचा का नहीं जल्दी।
मशरूम के बीजा कहाँ से लाते? हमन एला खरीद के लाते मार्केट। तो ये जो गौठान निर्माण करे से आप मल्ला से कुछ लगत कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है भूपेश सरकार ये जो योजना लेके आए आप मल्ला कितना फलित नजर आते? हमारा अभी फलित नजर आते है ना और आगे चल के हमारा तो अच्छा हमारा मतलब फायदा दिखी। तो अपन का कहना चाहते तो हमारा फायदा नहीं दिखे है इतना जितना दिखना चाहिए। शुरुआत में तो हर कोई ला नहीं दिखा है और जितना हमारा लागत लगा है ना तो ओकर से कुछ फायदा अभी हो है और अच्छा आगे चल के और फायदा हो। छत्तीसगढ़ सरकार ला का कहना चाहो? हमें तो ओला कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता जो हमारा गौठान में जगह देवाइस और जगह देवा के हमारा ऐसे मतलब उत्पादन करे पर जानकारी दी से कि ये मशरूम के है गौठाने चंदर खेती हो सकते और ये समूह वाली बहनी मन कर दिखाई तो हमें दिखा दिया और धन्यवाद मुख्यमंत्री जी ला हमारा बहुत अच्छा हमारा आगे बढ़ा के योजना दिखाई। छत्तीसगढ़ सरकार की गौधन न्याय योजना की प्रगति को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को पूरे देश में लागू करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस संबंध में 9 मार्च 2021 को लोकसभा में एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें कृषि संबंधी स्थायी समिति ने इस प्रकार की योजनाओं को संपूर्ण देश में लागू करने का सुझाव दिया है। देश में आवारा पशुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार इस योजना को जल्द ही पूरे देश में लागू कर सकती है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाए गए इस अनुकरणीय कदम को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गौधन न्याय योजना को 20 मार्च 2021 को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होने के साथ ही साथ यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही है और अब वह दिन दूर नहीं जब रास्ते में व्यर्थ पड़े रहने वाला गोबर से एक दिन पूरा प्रदेश जगमगाएगा। सबसे पहले तो एक सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो गाँव की जो महिलाएँ हैं उनको घर तक ही सीमित नहीं है, गृहिणी नहीं है, वो कहीं ना कहीं आज अपने रोजगार के लिए आज गौठान में सरकार ने उनको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं जैसे कि वर्मी कंपोस्ट महिलाओं के जो समिति को दिए हैं, वर्मी कंपोस्ट से जो खाद बना रहे हैं और दिया है जो गोबर से दिया है, गोबर से गमला है, ये सारे चीज़ के अलावा ये मशरूम उत्पादन में भी इन्होंने आप सबको बताया है अभी मशरूम के उत्पादन में इन लोग भी बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं और बाकी हमारे प्रदेश की महिलाओं के लिए ये हमारे जनपद क्षेत्र बंचरोदा एक बहुत बड़ा मॉडल गौठान के रूप में उभरा है पूरे छत्तीसगढ़ में और ये कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश में एक महिलाओं के लिए एक अच्छी सोच है, एक मात्र शक्ति लोग के लिए जो है महिला सशक्तिकरण के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आज कहीं ना कहीं आज बंचरोदा में देखने को मिल रहा है। गोबर जो महज आज तक सड़कों पे ऐसे ही पड़ा नजर आता था अब गोबर इतना कीमती हो गया है कि आज वो बिजली उत्पादन करने का भी काम कर रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं गोबर की उपलब्धि कहिए प्रदेश के लिए या मुख्यमंत्री की सोच कहिए लेकिन ये गोबर किस तरीके से महिलाओं को विकसित करने के काम आ रहे हैं? देखिए कल हम लोग वर्चुअल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे एक बायोगैस से बिजली उत्पादन का जो आपने देखने को मिला है तो बंचरोदा गांव में कल इनका शुभारंभ हुआ है, कल हम लोग कार्यक्रम में उपस्थित भी हुए। ये बायोगैस से बिजली की जो उत्पादन है आज हम लोग देखे हैं और वाकई हमको अद्भुत लगा ये जो हम लोग कल्पना नहीं किए थे कि हमारा जो गौधन मतलब इस तरह से काम आ सकते हैं जो लोग जो है गोबर को जो है एक कहने का मतलब है जो पढ़े लिखे गोबर मतलब है जो पढ़े लिखे नहीं हैं वही लोग काम करते हैं और शिक्षित लोग जो है गोबर का काम नहीं करते हैं, ये बिल्कुल हटके है और ये कहीं ना कहीं गौधन न्याय योजना एक आने वाले समय में एक समृद्ध छत्तीसगढ़ की ओर है। जय हिंद छत्तीसगढ़ के चार चिनारी नरवा।